हेलो दोस्तों, और हैक्स एंड हेल्थ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माइक्रोवेव हम कैसे साफ करेंगे। अक्सर हमारे माइक्रोवेव में आप देखते हैं कि ऐसे गंदगी बैठ जाती है, जो तेल की गंदगी होती है, जो कि आसानी से निकलती नहीं है, और हमारे लिए बहुत बड़ी काम होता है इसे साफ़ करना। पर आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप तेल की चिपचिपाहट और सारी गंदगी माइक्रोवेव से कैसे साफ़ करें। तो पहले माइक्रोवेव का प्लेट हम लेते हैं, और इसे हम नॉर्मल जैसे घर में का बर्तन साफ़ करते हैं उसी तरह से किसी भी बर्तन धोने वाले साबुन की मदद से और स्कॉच ब्राइट की मदद से साफ़ कर लें। ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। पर आप माइक्रोवेव की बॉडी को तो ऐसे साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो आइए हम आगे उसको भी बताएंगे कैसे साफ़ करना है। तो पहले हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा साफ़ हो चुका है। अब हम इसे वापस यहाँ पे लगा देंगे माइक्रोवेव में, और अब हम माइक्रोवेव की बॉडी को साफ़ करने का तरीका शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप पानी लिया है। उस एक कप पानी में हम डाल देंगे 3 नींबू के रस, और नींबू के रस के साथ नींबू का जो जिस्ट होता है या उसके जो छिलके होते हैं उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, उसे भी हम इसी में डाल देंगे। इसे में डालने के बाद अब हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे, और माइक्रोवेव में रखने के बाद हम इसे हीट करेंगे। ये मैंने इसमें माइक्रोवेव में रख दिया है, और अब हम इसे बंद कर देते हैं और इसे हीट करेंगे हम करीब 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट यहाँ हो चुका है। अब हम माइक्रोवेव को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अब हम इसकी सफाई शुरू करेंगे। ये थोड़ा गर्म होगा ये पतीला, इसलिए इसे थोड़े बाउल को थोड़ी सावधानी से निकालिए। और अब हम एक किचन टॉवल की मदद से, कोई भी कपड़ा या जो भी टॉवल है आपके, उसकी मदद से माइक्रोवेव की सफाई शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने बाउल को जो नींबू के रस के साथ इसमें गर्म किया था, उसका यूज़ ये है कि ये खुद ब खुद जब गर्म होगा तो वेपर छोड़ेगा, और वेपर आपके माइक्रोवेव के हर पार्ट में अच्छे से लग जाएगा, जिसके कारण आपको सफाई करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। गंदगी बहुत आसानी से निकल जाएगी, तेल की जितनी भी चिपचिपाहट है सब बहुत आसानी से निकल जाएगी। नींबू साफ बहुत अच्छे से कर देता है तेल की चिपचिपाहट को। हर कोने में आप अच्छे से साफ कर दीजिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ़ हो रहा है। डोर को भी ऐसे ही साफ़ कीजिए, जहाँ भी तेल जमा है उसे खासकर ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। और ये दोस्तों, आपका माइक्रोवेव एकदम अच्छे से चमक चुका है, ये एकदम साफ़ हो चुका है। फिर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके प्लेट को आप वापस लगा दीजिए। उम्मीद है आप ये तरीका ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन टैप ज़रूर कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।